संत वही होते हैं जो बातों बातों में जीवन के सत्य को सहजता से समझा दे। संत वो होते हैं जो दृष्टांतों से दुख को हल्का कर दे। जीने की चाह जगाए, प्राणी मात्र के जीवन को प्रेम करना सिखाए। संत वो होते हैं जो समाज को शांति के साथ उन्नति के पथ पर ले जाए और मनुष्य को भावनात्मक आत्मनिर्भरता प्रदान करे और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो कभी विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते मतलब? विचलित नहीं होते मतलब कभी निराश नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते। तो क्या जो संत होते हैं उनको कभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को गुस्सा आता है? इससे तो 2 किलो आता है। इससे 2 किलो गुस्सा आता है? अच्छा आपको कब गुस्सा आता है? जब मैं टीवी देखती हूँ और मेरी माँ मुझे बोलती है क्या तू रोज रोज टीवी के सामने बैठी रहती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब पापा मुझे खेलने से मना करते हैं तब। जब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं तब। जब अकेले मुझे जाने नहीं देते तब। हाँ बहुत आता है गुस्सा जब हमारे हाथ से हमारा फोन छीन लेते हैं। मतलब आप लोगों को लगता है कि आपके माँ बाप ही आपके दुश्मन है, तुम्हारी मर्जी का कुछ करने नहीं देते इसलिए गुस्सा आता है? इसका मतलब तो तुम सब भी बूझो जैसे हो। बूझो? हाँ, तुम्हारे जैसा, तुम्हारी ही तरह, तुम में से ही एक। हिंदुस्तान की पहाड़ियों पर बिखरा हुआ एक घना जंगल जहाँ प्रकृति दोनों हाथों से अपना धन लुटा रही है, जहाँ की गलियों में बादल लुका छुपी खेल रहे हैं, गगन चुभी पेड़ों की शाखों पर परिंदों का चहचहाना हो, जहाँ पेड़ों को पूर्वज माना जाता हो, जहाँ सदियों पुराने शिवालय की घंटियों में आस्था गूंजती हो, जहाँ श्रम को संगीत और संतोष को विकास माना जाता हो। ऐसे जंगल के बीच पल रही बंगारू जाति के कबीले में रहता था एक लड़का।
बछड़ा, ले गया मेरा बछड़ा, उछारो मेरा बछड़ा। बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पता है? कल रात बाद बछड़ा ले गया, आज तुम्हें ले गया। तो ऐसे कैसे ले जाएगा? पूछो नाम है मेरा, पूछो का बेटा हूँ। देख कर चला करना पूछो, लगा वहाँ खड्डे क्यों होते हैं? खड्डे होते हैं तभी तो हम चलना सीखते हैं। पूछो, जिंदगी में सारे रास्ते सीधे नहीं होते। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब लड़ना बाघ से। पर मैं बड़ा कब होऊंगा? इस भाले जितना बड़ा होगा ना, तब। सुरक्षित रहे। अगर ये दौड़ेगा तो घंटी बजेगी, घंटी बजेगी तो पता चलेगा ये आसपास है, मतलब सुरक्षित है। शहर मिला है।
चांदनी रात के बाद बड़ा त्योहार चाहिए।
चाहे तू जितनी भी बड़ी हो जाए मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। माँ बाप बाल पालते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते हैं, वो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नहीं बेटा, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जब तक तुम बड़े न हो जाओ बाहरी खतरे से और भाग से सुरक्षित रहो। तो बच्चों बताओ, क्या बूझो के माँ बाप बूझो के दुश्मन थे? नहीं। क्यों? उन्होंने भी तो बूझो को रोका था। बाहर बाप का खतरा था इसलिए। शाबाश बच्चों, कहानी के बाप की तरह आपके आसपास भी खतरे का बाप है, जैसे कुछ बुरी आदतें जो बच्चों को बिगाड़ती है, ललचाती है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आजकल तो सब उसे अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, उसका सदुपयोग हो तो जरूर विकास होता है, लेकिन अगर दुरुपयोग हो तो विनाश पक्का है। दोस्त बुरे नहीं होते, दोस्त तो भगवान के भी थे, लेकिन कुछ ऐसे जोरों जैसे नादान ना समझ दोस्त, जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, शहद के नाम पर तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और माँ बाप को दुश्मन बना देते हैं। उनकी दोस्ती से बच के रहना चाहिए, क्योंकि हिम्मत, प्रेम और करुणा का दूसरा नाम है माँ बाप। तो जिनका खुद भगवान आदर करते हो, तो हम कौन होते हैं उनका अनादर करने वाले हैं? तो माँ बाप की बातें माननी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, बुरी आदतों से गुस्सा नहीं करना चाहिए। शाबाश।